नमस्ते बहनों भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ। नमस्कार दोस्तों, आज जो खबर आई कि रेडियो की जानी मानी हस्ती, रेडियो की आवाज जिनको जाना जाता था, अमीन सयानी साहब हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले हम सभी की तरफ से सयानी जी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाई। हाल ही में हमने 13 फरवरी को भारत में रेडियो प्रसारण के 100 वर्ष पूरे किए। इन 100 वर्षों में कम से कम 45-50 वर्ष की सेवा रेडियो के लिए सयानी साहब ने की। और जब हमने रेडियो शुरू किया था तो हमारे पास कुछ ही चुनिंदा ऐसी आवाजें थी जिनको हम फॉलो कर सकते थे, और सयानी साहब की आवाज, सयानी साहब की स्टाइल उसमें से एक थी। दोस्तों, अगर हमें सयानी साहब को एक सही मायनों में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपने गुण दिखाए, उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो काम किया, अगर उसी का हम अनुकरण करें तो शायद उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। सयानी साहब कई सारे भाषाओं में निपुण थे, अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो या फिर गुजराती हो, और वो जिस भाषा में बात करते थे उसका लहजा बहुत अच्छा पकड़ते थे। ही वॉज रियली वेरी वेल रेड एंड ही वॉज रेडी टू अडेप्ट एज पर द चेंजिंग फॉर्मैट्स एंड द टाइम। समय के अनुसार बदलते हुए फॉर्मैट्स को उन्होंने समझा और उस हिसाब से अपने आप को उन्होंने ढाला। एक ब्रॉडकास्टर के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। कुछ साल पहले उनसे मुलाकात जब हुई थी तो एक और बात जानने को मिली कि उनको लोगों से बात करने का बहुत शौक है। किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए, किसी भी रेडियो के आर्टिस्ट के लिए लोगों से बात करने की चाह होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में रेडियो हो या फिर सारे अन्य माध्यम हो, अगर सयानी साहब जैसा कहते थे कि मैं भी कभी जब भी बात करता हूं तो अपनी बात दिल से करता हूं और लोगों के दिल को छुए ऐसी बात करता हूं, अगर यही फंडामेंटल, अगर यही छोटी सी बात हमारे सारे हमारे कामों में अगर हम इस्तेमाल करें तो शायद हम सयानी साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। सयानी साहब के पूरे परिवार के साथ हम हैं, ईश्वर उनको शक्ति दे, और शत शत नमन करते हैं हम अमीन सयानी साहब को।